सरजमी पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड। को मिलने वाला है इस बार इस फिल्म में कौन सा नया मैसेज दिखाया जाएगा, तो चलिए दोस्तों यही जानेंगे आज हम वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ में और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोट फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म के बारे में, यानी कि रोबोट 3.0। तो रोबोट फ्रेंचाइजी को हम सभी ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा है और इस फिल्म की मार्केटिंग से लेके हर एक चीज़ हमेशा ही सुपर डुपर हिट रही है। तो चलिए बात करते हैं अब फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, यानी कि रोबोट 3 की कहानी क्या होने वाली है। तो गाइस जैसा कि हमें पता है कि हमारी रोबोट 1 और रोबोट 2 दोनों में ही चिट्टी रोबोट था, तो उसी के ऊपर होगी कहानी। और कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है हमारा पैंडमिक, यानी कि हमारा कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी कोविड यानी कि पैंडमिक पे ही होने वाली है। इसी कहानी कुछ यूँ होगी कि एक साइंटिस्ट होगा, यानी कि एक साइंटिस्ट होगा जो एक मैन मेड वायरस बनाएगा जिससे हमेशा से ही नेचर से प्यार होता है, वो नेचर को हमेशा ही प्रिजर्व करके रखना चाहता है मगर वैसा नहीं कर पाता इंसानों के चक्कर में, क्योंकि इंसान हर जगह पेड़ काट रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं जिससे पूरे नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। और इस फिल्म में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे उस वायरस से जब पूरी दुनिया में पूरी जगह आक्रमण फैला हुआ है, पूरी जगह पैंडेमिक आ रखा, तो उसमें कैसे हमारे रोबोट्स मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने इस कोविड में भी देखा था कि हर जगह रोबोट कितनी ज़्यादा सहायता कर रहे थे सारे पेशेंट्स की। जब हम कोविड में किसी के पास जा नहीं सकते तो ये रोबोट्स थे जो हर जगह जाके उन्हें मेडिसिन दे रहे थे, हर जगह जाके डॉक्टर्स की डिटेल्स बता रहे थे। तो इसके अंदर हमें ये भी दिखाया जाएगा, इसके अंदर हमें दिखाया जाएगा कि कैसे रोबोट इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, यानी कि ह्यूमन फ्रेंडली हैं। तो काफ़ी अच्छी होने वाली है फिल्म की कहानी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।